Now let's talk of the heart of the bicycle, that is the drivetrain. And this is also the उन्होंने भी बोला कि 1 लाख रुपीस की लग रही है साइकिल, इसका जो रीच है दैट इज नेगेटिव, मतलब इसकी जो हाइट है वैसे जो हैंडल बार है वो नीचे जा रहा है. जब इसको ऑफ रोड लेके जाते हैं तब यह परफॉर्मेंस ही करती है, एंड ऑन रोड ट्रैक है उसमें भी यही इशू है. इन लिखा हुआ है साइकिल चलाते हुए टट्टी आ गई तो क्या करें. Hey guys, this is Fat Big Vaibhav, and today we have the Leox Billion one. A bicycle that gets a 1x13 gear system. मेट्रिक बाइसाइकिल दैट कम्स विद 1x12 गियर्स, उसका जो कॉस्ट है दैट इज क्लोज टू 1.5 लाख. लेकिन जो इस वाली बाइसाइकिल का कॉस्ट है दिस इज ओनली ₹4. एंड यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल 1x13 गियर बाइसाइकिल दैट यू कैन गेट इन इंडिया. इट्स फ्रॉम द कंपनी नोन एज GK, एंड एक और मॉडल भी आता है इनका GK ज्योमेट्री, जो मैंने पहले रिव्यू करी थी. बट नाउ इट इज द टाइम फॉर द Leox Billion वन. Now let's see the specification of this bicycle. Starting with the frame, this is actually 6061 alloy frame. And this definitely looks very premium. And अभी आप एंड में भी देखेंगे bloopers में यहाँ पे लोग आए थे उनको लग रहा था कि ये जो bicycle this is carbon fiber. And believe me, जब मैंने इसको first time देखा था दूर से देखने में तो especially ये जो Trek की Marlin 5 या फिर Marlin 6 आती है उससे तो better ही लग रही थी. However, जो इसका price है that is much affordable than the Trek Marlin 5 and also the 6. The paint has matte finish, लेकिन तब भी इसमें थोड़ी सी shine आती है अंदर से. Also, this has no welding marks. This kind of a smoothen out paint, सिर्फ premium bicycle frame में ही आपको ऐसा feature मिलता है. One thing that I liked about the graphics of the bicycle is that they're minimalistic, काफ़ी subtle है, and ज़्यादा branding नहीं है, लेकिन तब भी आपको पता लग जाता है किस brand की bicycle है, क्योंकि clearly आपको यहाँ पे सामने Leox दिख जाता है. However, इनके ऊपर एक rainbow effect भी आपको मिल जाता है, that makes experience more premium. अगर हम notice करेंगे बस थोड़े से graphics इसके ऊपर है, ऊपर आपको Billion One दिख जाता है, side पे आपको Leox दिख जाता है, पीछे एक और Leox दिख जाता है, and एक 29er का logo नीचे आपको chain shape पे मिल जाता है. एंड स्पेशली अगर आप नोटिस करेंगे आजकल हर बाइसाइकिल पे कुछ ना कुछ ब्रांड की लगी होती है, यहाँ हैंडलबार पे नाम लिखा होगा, ब्रेक्स पे नाम लिखा होगा, सीट पे नाम लिखा, हर जगह ही नाम लिख देते हैं, एंड वो एक तरह से थोड़ा सा वियर्ड लगना स्टार्ट हो जाता है. नाउ लेट्स टॉक ऑफ द हार्ट ऑफ द बाइसाइकिल, दैट इज द ड्राइव ट्रेन. एंड दिस इज ऑल्सो द USP ऑफ दिस बाइसाइकिल, बिकॉज इट गेट्स द 1x13 सिस्टम एट द बैक, एंड यही इस चीज को काफी ज्यादा यूनिक बना देती है. अगर आप सामने देखेंगे तो आपको 1x क्रैंक मिलता है, जनरली जो बाइसाइकिल उसमें 2x या फिर 3x आता है. इसमें आपको 34 टीथ मिल जाते हैं, विच इज काइंड ऑफ गुड रेशियो फॉर द रोड एंड ऑल्सो फॉर द ऑफ रोड. व्हाट आई ऑल्सो नोटिस वाज दैट कि इसमें जो चेनिंग है दैट कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड. अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव रिव्यूज एंड वीडियोज पसंद आती है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज फैट बाइक वेपर फॉर मोर अपडेट्स. फ्यू इंचेस लेटर, ये साइकिल आपको कैसी लग रही है? कितने की लग रही है? ब्रांड इज Leox, बट आई थिंक मे बी एंड लुकिंग एट योर कार एंड अदर थिंग्स आई एम ट्राइंग टू मैच द टू, मे बी क्लोज टू 1 लाख. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ ₹40,000 की है. उन्होंने भी बोला कि 1 लाख रुपीज की लग रही है साइकिल. एंड वी लुक एट द रियर कैसेट, दैट इज काइंड ऑफ ह्यूज, बिकॉज जो हाईएस्ट टीथ है दैट इज 50 एंड जो लोएस्ट है दैट इज 11. तो आपको हाईवे पे अच्छी स्पीड मिल जाती है एंड आपको ऑफ रोडिंग के टाइम भी अच्छा गियर रेशियो मिल जाता है. नाउ वन थिंग वॉज डिफरेंट इज दैट, जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास 1x10 सिस्टम भी है, मेरे पास 1x11 भी है एंड 1x12 भी है. तो उस पर जो गियर रेशियो है वो काफी ज्यादा अलग अलग होते हैं. हाउएवर जो इसका रेशियो है वो काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मुझे लगता है. जैसे आप सिंगल गियर चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ रेशियो आपका चेंज होगा. जनरली जो जंप होता है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है इन दोस 1x सिस्टम्स. द डिरेलर हाउएवर दिस फ्रॉम L2 एंड द मॉडल इज AX. बेसिकली मुझे इसका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. हाउएवर L2 के चीप गियर्स भी आते हैं एंड उनके एक्सपेंसिव गियर्स भी आते हैं. दिस हाउएवर इज द मीडियम वन. एंड जैसे मैंने इसकी परफॉर्मेंस देखी तो मुझे ऐसे लगा जैसे डिओर से पक्का नीचे ही है. हाउएवर इसका जो प्राइस टैग है उस हिसाब से जो इसका गियर्स हैं दिस आर काइंड ऑफ जस्टिफाइड. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया गियर मेरे को डिओर से नीचे लग रहा है, लेकिन एक चीज है कि डिओर में आपको इतना रेशियो नहीं मिलता जितना आपको इसमें मिल रहा है, बिकॉज दिस इज 1x13 सिस्टम. दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन टू एड अ फ्रंट डिरेलर. यहाँ पर आपको केबल की भी ऑप्शन मिल जाता है एंड नीचे भी आपको माउंट्स लगा सकते हो.
However, such a high ratio, I don't think कि कोई भी front derailleur use करेगा. And especially अगर कोई bicycle खरीदा है, तो वो one way system के लिए ही bicycle खरीदा होगा. The chain, this is from Vaibhav, and मैंने आपको जैसे बताया था जो मेरी United वाली वीडियो में कि Vaibhav की जो chain होती है, उसकी life ज़्यादा होती है as compared to KMC. Starting में थोड़ी सी hard होती है, and बाद में आके ये smoother note हो जाती है. And now let's see कि आपको दूसरे कौन से components मिल जाते हैं इस bicycle में. First of all, notice कि इसमें जो ज़्यादातर component लगे, that is from wheel tower. ये मैं ज़्यादातर इसका brand का नाम नहीं सुना है. हो सकता है मैं इसकी pronunciation भी गलत कर रहा हूँ. So the crank is also from wheel tower. The seat post, there's an alloy one, and this is also from wheel tower. The head stem over here, this is also from wheel tower. And even the handlebar. The handlebar is kind of wide enough, and cuff is a riser hai. This kind of 720 mm in width. So आपको काफी ज़्यादा control मिल जाता है जब आप off-roading कर रहे होते हैं तो. This stem however, इसमें थोड़ी सी चीज़ different है, because अगर आप देखेंगे इसका जो reach है that is negative, मतलब इसकी जो height है वैसे जो handlebar है वो नीचे जा रहा है. Generally मैं देखा है जो अपने riders होते हैं वो reverse कर देते हैं अपने stem, लेकिन इसमें already ऐसी चीज़ आती है, and specially इसकी branding ऊपर की तरफ है, that means ये रिवर्स ही बनी हुई है. जिसे ट्रैक में आपको बॉन्ड्रैगो के पार्ट्स मिल जाते हैं, तो इसी बाइसाइकिल में लियोक्स में आपको व्हील टावर के पार्ट्स मिलते हैं. The brakes, these are from Logan. So I expected कि इसमें शिमानो की ब्रेक्स आती, लेकिन दिस वॉज काइंड ऑफ डिफरेंट. एंड इवन अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको जो ज्योमेट्री थी उसमें भी सेम ब्रेक्स आती हैं. उससे मैंने इस ब्रेक्स को इतना अच्छा नहीं बोला था, लेकिन मैंने इसको लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा यूज़ करा, एंड आई काइंड ऑफ स्टार्टेड लाइकिंग देम. सो शिमानो से तो ऑब्वियसली बेटर नहीं है, लेकिन जो इसकी परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल ब्रेक्स, दिस आर काइंड ऑफ गुड इनफ. द सस्पेंशन ऑफ दिस बाइसाइकिल, दिस काइंड ऑफ इंप्रेसिव, बिकॉज में आपको ए सस्पेंशन मिलता है, एंड दैट टू विद अ लॉकआउट फीचर. ए सस्पेंशन का ये फायदा होता है कि जब भी बॉटम आउट नहीं होता, कॉइल सस्पेंशन जो होते हैं आप अगर एक्स्ट्रा जंप करोगे तो वो बॉटम आउट हो जाते हैं. इसमें जो सस्पेंशन में लॉकआउट आता है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल लॉकआउट. सो दिस इज व्हाट आई कॉल्ड एज अ रिवेंज लॉकआउट. एंड व्हाट इज दैट? सो दिस इज अ 1x13 बाइसाइकिल. सो आप इसको ऑफ रोड यूज करोगे, रोड पे तो यूज करोगे नहीं. एंड लॉकआउट का फीचर क्या होता है? वो लॉक इसलिए होता है ताकि आप रोड पे यूज कर पाओ. सो इसको लॉक करने के लिए यहाँ पर आपको बटन दिख रहा होगा, आप ऐसे करके इसको प्रेस कर देते हैं. नाउ व्हाई डिड आई कॉल्ड एज अ रिवेंज सिस्टम? बिकॉज अब साइकिल को पता चल चुका है आप रोड पर राइड कर रहे हैं. नाउ इट विल टेक अ रिवेंज. आप अगर ये रेड वाला दबाएंगे एंड इसको आप प्रेस करेंगे तो इट टेक्स द रिवेंज. बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज अ रिवेंज सिस्टम बिकॉज आपको जो थंब होता है वो इस वायर के अंदर फंस जाता है. सो व्हेन यू आर यूजिंग दिस लॉकआउट तो आपको काफी ज्यादा कॉशियस रहना पड़ता है. ये ऐसे नहीं है इसी बाइसाइकिल में ऐसा लॉकआउट होता है. मैंने मेरिडा में भी देखा है, उसमें भी ऐसा सिमिलर लॉक आपको मिल जाता है. नाउ लेट्स सी कि ये राइड करने में कैसी है, कि आपको फीलिंग आती है. व्हेन यू आर राइडिंग दिस तो आपको जो फीलिंग होती है गियर्स की एज पर द प्राइस बिल्कुल ठीक मिलती है. जब शिफ्टिंग कर रहे होते हो, द ज्योमेट्री ऑफ दिस बाइसाइकिल फील्स ग्रेट बिकॉज आपको राइजर हैंडल में मिलता है. सो कंफर्टेबल ज्योमेट्री भी आपको मिल जाती है थोड़ी सी. जब इसको ऑफ रोड लेके जाते हैं तब भी यह परफॉर्मेंस अच्छी करती है, एंड ऑन रोड भी काफी अच्छे परफॉर्म करती है. द ब्रेक्स ऑफ दिस बाइसाइकिल, आई थिंक मुझे पहले लगा था पावरफुल नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन जब मैं इसको राइड कर रहा था तो मुझे इनफ पावर लग रही थी, स्पेशली व्हेन कंपेयर विद द मैकेनिकल ब्रेक्स. बोथ हाई स्पीड राइडिंग एंड लो स्पीड क्रॉलिंग एट फर्स्ट गियर आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ द 1x13 सिस्टम, एंड दोनों ही टेरेन को इजिली कॉन्कर भी कर जाती है. आई वुड से समवन हु इज लुकिंग फॉर स्टंट्स, उसके बाइसाइकिल काफ़ी पसंद आएगी, या फिर जो ट्रेल राइडिंग करना चाहता है उसका बजट में लिमिटेड है, तो उसके लिए भी ये बाइसाइकिल काफ़ी ज़्यादा फिट रहेगी. बिकॉज यू गॉन नोटिस जो इसकी जो प्राइस है दैट इज गॉन बी सिमिलर टू अ बाइसाइकिल जिसमें आपके टू नी गियर्स आते हैं. एज यू नो दिस चैनल इज गुड ओनली बिकॉज इट इज अनबायस, एंड मैं इस बाइसाइकिल की आपको डिसएडवांटेज बताना चाहता हूँ. इफ यू सी द ग्रिप्स ओवर हियर, दीज आर नॉट एक्चुअली लॉक ऑन ग्रिप्स. तो जब मैं इसको यूज कर रहा था बहुत ही इजिली रोटेट हो पा रही थी, एंड नॉर्मल ग्रिप्स से भी ज़्यादा इजिली हो पा रही थी. दैट मीन्स आपको ऑफ रोड राइडिंग करने में थोड़े से इश्यू आएंगे. The 1x system on this bicycle doesn't have an indicator. Even किसी भी 1x system मैंने indicator नहीं देखा, and मैं इसको भी disadvantage में count करूंगा because जब आप riding कर रहे होते हैं आपको पता नहीं तो आप कौन सा gears में हैं. थोड़ा सा indication मिल जाना चाहिए कि आप last gears में हैं कि नहीं, आपके कितने gear ratio बचा हुआ है. It's one single bottle holder. Second की आपको option ही नहीं मिलता है. However, the frame is kind of big enough कि आप easily इस पे आप bottle holder लगा सकते हैं. लेकिन ना, ये जो कंपनी थी उसको कैनेडा का लोगो ज्यादा पसंद था. एंड द लास्ट डिसएडवांटेज इज दैट जिसके सीट पोस्ट है उसमें एडजस्टमेंट बोल्ट्स हैं. दिस इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू ऑपरेट. अगर आप पीछे वाला ऑपरेट करेंगे दिस इज काइंड ऑफ इजी वन, लेकिन जैसे ही आप फ्रंट ऑपरेट करेंगे तो उसमें आपको काफी ज्यादा इश्यू आएंगे बिकॉज अगर आप रोटेट करेंगे अपनी एलन की तो ज्यादा टकराती है, एंड अगर आप लॉन्गर एलन की भी यूज करेंगे तो वो भी आपकी टच करेगी. इवन यही जो इशू है कई बाइसाइकिल्स में होता है, कई में नहीं होता है. मेरी जो ट्रैक है
उसमें भी यही इशू है, उसके ड्रॉपर पोस्ट में मुझे यही इशू आता है, खोलने में बहुत डिफिकल्ट लगती है, स्पेशली अगर आप बाइक पैकिंग कर रहे हैं तो। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, आई थिंक दिस काइंड ऑफ अ वैल्यू फॉर मनी बाइसाइकिल, जितना आप पे कर रहे हैं उतनी ही आपको परफॉर्मेंस मिल रही है। नाउ आप पूछेंगे इसकी एमआरपी क्या है, द एमआरपी इज क्लोज टू 58,500 रुपीस, थोड़ा सा हाई लगता है, लेकिन मैंने उनको बोला थोड़ा सा डिस्काउंट होना चाहिए मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, एंड उन लोगों ने मुझे बताया था नाउ द प्राइस इज 41,000 रुपीस ओनली फॉर माई सब्सक्राइबर्स, एंड एज पर दैट प्राइस आई थिंक दिस इज डेफिनेटली किलर बाइसाइकिल अगर आप इसके टायर चेंज कर देते हैं तो। Before we end this video, let's take some question answers from our old video. Let's see, पुरानी वाली video में first comment किसने किया था? This from Kakakshi, इन्होंने लिखा first. And जो भी first होता है, उसको मैं heart mark कर देता हूँ. The next question, this from Pagyug Jan, इन्होंने लिखा हुआ है, भैया आपकी video में आजकल Duex की ad कुछ ज़्यादा ही आ रही है. भाई मैं एक चीज़ बताता हूँ, सुन लो. जब कोई एड्स होती है ना, वो आपके रेलेवेंस के हिसाब से होती है, जो आपने कंटेंट पहले देखा है उसके ऊपर ही नेक्स्ट एड आती है, तो जो आपकी सर्च हिस्ट्री है पहले वो चेक करो एंड फिर आपको पता लगेगा ये एड क्यों आ रही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस फ्रॉम निशा बिस्वास, लिखा हुआ है एमटीबी एंड हाइब्रिड बाइक डीलर्स आर द सेम, मतलब क्वेश्चन इन लोगों का। आई वुड से जो आपकी बजट एमटीबीज होती है, बजट हाइब्रिड्स होती है, तो उसमें जो गियर्स होते हैं, जो डीलर होते हैं, दीज आर काइंड ऑफ सेम, लेकिन जो आपकी हाई एंड हाइब्रिड्स आती हैं, इसके जो डिलीवर होते हैं, दीज आर क्लोज टू सिमिलर टू द रोड बाइसाइकिल, सो इट डिपेंड्स ऑन द बजट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम टैंक, इन्होंने लिखा हुआ है आई डोंट नो व्हाई ट्रैक कॉस्ट सो मच बिकॉज द यूनाइटेड सरपास ट्रैक एंड स्टिल कॉस्ट 30,000, 60,000 एंड 50,000। सो बेसिकली ट्रैक इतनी एक्सपेंसिव इसलिए है, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर इम्पोर्टेड बाइसाइकिल, सो टैक्स बहुत ज्यादा लगता है। सेकंडली जो उसका प्राइस है वो डाउन नहीं कर सकते हैं बिकॉज उनकी ब्रांड वैल्यू डाउन हो जाती है, वो अपना प्रॉफिट एक मिनिमम लेवल पे रखना ही चाहते हैं, एंड मे बी ट्रैक की डिमांड ज्यादा है इसलिए भी उसका प्राइस ज्यादा है, जैसे उसकी डिमांड डाउन होगी उसका प्राइस भी ऑटोमेटिकली डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन दिस फ्रॉम मिस्टर विष्णु एक्सपेरिमेंट, इन लिखा हुआ है साइकिल चलाते हुए टट्टी आ गई तो क्या करेंगे। बेसिकली आपको जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा रिलेटेबल है लोगों के लिए, एंड आपके लिए एक स्पेशल सीड भी बन चुकी है, दिस इज द सीड दैट यू कैन एक्चुअली यूज, एंड साथ में आपको एक सिविक पॉलिथिन की जरूरत पड़ेगी। सो बेसिकली जो आपके सीट रेल्स होते हैं पीछे की तरफ, आपको यहाँ पर एक पॉलिथिन का लगा देना है एंड दोनों को आपको टाई कर देना है, एंड इसके बाद जो भी आप चीजें करेंगे, जो भी आप हवा छोड़ेंगे, जो भी आप थोड़े से कार्बन फुटप्रिंट छोड़ेंगे, वो आपको डायरेक्टली नीचे चले जाएंगे। एंड कोशिश करना ये जो पॉलिथिन हो आपकी वो ब्लैक कलर की हो, ये ट्रांसपेरेंट ना हो, लेकिन लोगों को दिख जाएगा, एंड जो आप साइकिलिंग कर रहे हैं आपको स्ट्रावा की एवरेज भी नहीं गिरेगी, एंड साथ साथ आपको जो सारा वर्क है वो भी हो जाएगा। ऐसी और भी टिप्स के लिए आप फैट बैक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या घटिया टिप दिया मैंने भैंस किया, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कर सकते हैं, हमें गुड न्यूज भी देना चाहते हैं, जो मेरे सेकंडरी चैनल दैट इज फैट बैक वैभव 2, उस पर हमारे 100,000 सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं एंड हमारा वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन जो वेरिफिकेशन हाँ मुड़ जा और पीछे मुड़ जा, मेरे को घुमा दे तू, तो कैमरा में अलग है वो, याद है वो सीन जो अर्णव गोस्वामी वाला, वो ऐसे घूमे जा रहा है कैमरा, 80% लोगों ने वोट दिया इसलिए चुनाव फर्जी था, तेरा भी यही हाल लग रहा है मुझे, गर्दन मोड़ेगा तू मेरी भैंस की। ओ भाई भाई ऑन कर, ऑन कर भाई, हिम्मत आई जो सारी गाड़ी यहाँ पे लेके आया, 1 लीटर है, 1 लीटर ये अकेले क्विड है, इसे 1 लीटर मेंशन होता है अलग से। ओके हाय नाइस टू सी यू, यहाँ पर कैसी लग रही है, अच्छी है, कार्बन फाइबर नहीं लगती, कार्बन लग रही है, नहीं रोज ऐसे आते हैं कि आज फाइट बैक कर रहे हैं, अरे मिलेंगे मिलेंगे आज मिल जाए। हमारा जो चैनल है सेकेंडरी चैनल दैट इज ऑल्सो वेरीफाइड, एंड इसमें आपको वेरीफाइड टिक मार्क मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कर सकते हैं, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड नीचे कमेंट भी कर सकते हैं आपको बाइसाइकिल कैसी लगी एंड आपको कौन सा कॉन्टेंट देखना है फ्यूचर में। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज मैं थोड़ी सी अभी रील्स भी बनाने वाला हूँ इसी बाइसाइकिल के बारे में, एंड दिस इज फैट बैक साइनिंग ऑफ।